हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम वनिता प्राशर. आई एम प्रेजेंटिंग हियर विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट वन लाइनर्स. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वन लाइनर्स से रिलेटेड 3 लेक्चर जो है मैं कवर करवा चुकी हूँ. और लास्ट क्लास में हम पेज नंबर 4 तक पहुँच चुके थे और इस क्लास में हम पेज नंबर 5 को करेंगे. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्ली ऑफ एलिबाई इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 11. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिए. प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है? प्ली ऑफ एलिबाई का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक व्यक्ति आज दिल्ली बैठा है तो वो बम्बई में उसी टाइम में एक क्राइम नहीं कर सकता. कहने का मतलब कि एक आदमी, एक इंसान, एक व्यक्ति एक समय में दो जगह नहीं प्रेजेंट रह सकता. हाँ ठीक है, एक व्यक्ति दिल्ली बैठा हुआ है तो हो सकता है वो नोएडा में क्राइम कर दिया हो उसने, क्योंकि वो उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो एक साथ दोनों जगह पहुंच सकता है. लेकिन एक व्यक्ति जो है एक बैठा है दिल्ली में और एक उसी टाइम क्राइम होता है बॉम्बे में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुंबई में जो क्राइम हुआ है वो उस व्यक्ति ने किया है, एक साथ वो दो जगह प्रेजेंट था. तो यही कंसेप्ट है प्ली ऑफ एलिबाई जो सेक्शन 11 में है. इससे ज़्यादा डिटेल में हम इतना कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वर्डिंग एक बार पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट निकाल लीजिए. फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट. वैसे फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है बट वो रेलिवेंट है. इफ दे आर इनकंसिस्टेंस विद एनी फैक्ट इन इशू, की जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड इनकंसिस्टेंस है. कंसिस्टेंस का मतलब उन दोनों के बीच में तालमेल हो ही नहीं सकता. इफ बाय देमसेल्व्स और ऑन इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दैट मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स हाई प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही साथ वह व्यक्ति दोनों जगह पहुंच सकता हो. ये हाईली इम्प्रोबेबल हो जाता है, या तो उसकी संभावना है कि वो होगा वहां या नहीं होगी. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल है. द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम. क्वेश्चन है कि ए ने क्राइम कमिट किया, ठीक है, कैलकटा ऑन ए सर्टन डे. द फैक्ट दैट ऑन दैट डे, उस दिन वो व्यक्ति लाहौर में था, तो ये फैक्ट रेलिवेंट है. लेकिन इनकी हाई इम्प्रोबेबिलिटी है कि उनकी संभावना नहीं है कि वो एक साथ दोनों जगह हो सकते हैं. तो इस प्रकार का कोई भी कंसेप्ट है वो बात आती है सेक्शन 11 के अंदर. इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है. द नेम ऑफ द केस इज दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये चीज है ना, आप अपने बेरेक में छोटे छोटे वर्ड्स में लिख सकते हो, बिल्कुल बारीक बारीक में. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट स्टैंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट. कि डैमेजेस के जो सूट्स हैं उनमें क्या फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स कोर्ट को आप ये कह सकते हो कि हेल्प करता है कि वो रेलेवेंट फैक्ट है या नहीं. कि कोई एक अमाउंट फिक्स करनी है, कोई डैमेजेस की अमाउंट है, तो उसके अंदर जब वो फैक्ट्स को कंसीडर करता है तो वो रेलेवेंट माना जाता है. ये कहाँ दिया गया है? ये आपके दिया गया है सेक्शन नंबर 11 के अंदर. फिर है कंक्लूसिव प्रूफ इज ऑलवेज इररिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ. कि जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो हमेशा ही इररिबटेबल. इररिबटेबल का मतलब है कि उसको आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते. वो एक बार अगर सामने फैक्ट्स आ जाता है तो वही फिर फाइनल माना जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है. कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड कौन से ऐसे सेक्शन हैं वो मैं थोड़ा सा मैं लिख के दे देती हूँ जो आपको माइंड में रहेगा. देखिए कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है उससे रिलेटेड सेक्शन कौन से आएंगे, आई एम मेंशनिंग हेयर. सेक्शन नंबर है 82 आईपीसी. सेक्शन 82 आईपीसी जो कहता है कि 7 साल से कम बच्चे ने क्राइम किया है तो वो उसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है. वो तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलते हो कि वो निर्दोष माना जाता है. 112 है एविडेंस का, प्रेजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड. 113 है, ठीक है. 40-41 है इंडियन एविडेंस एक्ट के. इनके सेक्शन आप माइंड में रख लीजिए, जब इनको हम करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी. 113 किससे डील करता है, 40 किससे डील करता है, 41 किससे डील करता है, ये हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. द टेस्ट अंडर सेक्शन इज
प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड कम्युनिटी ऑफ पर्पस ऑफ डिजाइन। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। कहाँ पर किया था? ये सेक्शन 6 के अंदर किया था। तो यहाँ पर सेक्शन 6 वर्ड यूज नहीं किया गया है। कि कौन से सेक्शन में है, कहाँ चला गया? कई बार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये सेक्शन नंबर 6 की बात हो रही है कि जिसमें प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम की बात हो रही है, जो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन की बात हो रही है, कम्युनिटी ऑफ पर्पस की बात हो रही है। लास्ट क्लास में हमने आरएम मलकानी का केस कर लिया था। आरएम मलकानी का केस था, टेप रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हमने इसको किया था, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। प्रफुल भी देसाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड है, ये भी सेक्शन 6 में फॉल करेगा, ठीक है? तो ये भी सेक्शन 6 में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बात करता है वीडियो रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग आर वर फोस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये केस भी सेक्शन 6 से डील करता है। द रूल ऑफ रेस्ट गेस्टे फर्स्ट अपियर्ड इन ईयर 1683, 1693 में रेस्ट गेस्टे का रूल निकल के आया था सबसे पहले, थॉमसन वर्सेज ट्रेवेनियन के केस में। इस केस को भी आप माइंड में रख सकते हो। जनरली डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इज नॉट एग्जॉस्टिव, डेफिनेशन जो है एविडेंस की उसको आप एग्जॉस्टिव नहीं कर सकते, लिमिटेड दायरे में नहीं ला सकते। एज इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वेपन्स भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, वेपन भी इसमें शामिल होता है, कन्फेशन जो कि है वो भी इसमें शामिल होता है, जुडिशियबल नोटिसबल जो जुडिशली जुडिशियल जो है नोटिस लेती है जिसके ऊपर, यानी कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड फैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी है, आप किसी प्रकार के उसे भी एविडेंस की कैटेगरी में लेके आओगे, ठीक है। कन्फेशन भी उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। एक्सपर्ट एविडेंस क्यों आया? एक्सपर्ट एविडेंस जो है फाउंडेड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ये आवश्यकता के डॉक्ट्राइन पर फिक्स्ड है। एक्सपर्ट एविडेंस जो है 6 तरीके के एविडेंस जो एक्सपर्ट एविडेंस में होते हैं, ये आपको दिया गया है 45 के अंदर। तो सेक्शन 45 बात करता है एक्सपर्ट एविडेंस की, जो ओपिनियन है उसको लेने की। तो ये पेज नंबर 5 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे पेज नंबर 6। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है कंसेप्ट जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ, अगर ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने के लायक है तो आप इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।